as be and have you can use used to be you used to have but not uh, with would be would have cannot be interchangeably used uh, in used to be and used to have मैंने आपको बताया यूज़ टू आप कब यूज़ करते हैं यूज़ टू जब हम पास्ट स्टेट्स के बारे में बात करते हैं और वुड तब यूज़ करते हैं जब हम पास्ट एक्शंस के बारे में बात करते हैं और इनको हम जब हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स की बात करते हैं जब हम रेगुलर हैबिट्स के बारे में बात करते हैं तब भी हम इन मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है एनी टाइम each time every time whenever these are all the adverbs of times now look into part a the following passage describes what life was like for women in ancient greece rewrite the numbered sentences in the passage using used to or would to express habits in the past just remember this we use used to and would when we are talking about our past habits और जब भी हम पास्ट हैबिट्स की बात करेंगे हमेशा पास्ट में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यू विल नीड टू चेंज द अंडरलाइन वर्ब्स एज वेल नाउ इन दिस पैराग्राफ वी विल राइट यूज टू एंड वुड एंड ऑल्सो चेंज फॉर्म ऑफ वर्ब और अभी मैंने आपको बताया पास्ट फॉर्म लगाएंगे जब भी हम पास्ट हैबिट्स की बात करेंगे वुमेन इन एनशियन ग्रीस एक्सपीरियंस अ बिजी वुमेन इन एंशियन ग्रीस अब इसके नीचे अंडरलाइन है तो इसको क्या करेंगे एक्सपीरियंस्ड फास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे एक्सपीरियंस्ड अब बिजी बट स्ट्रेसफुल लाइफ एवरी डे दे अराइज अर्ली टू फैच वाटर फ्रॉम द वेल ये उनकी पास्ट हैबिट है तो अब क्या यूज़ करेंगे हम वुड दे वुड अराइज़ अर्ली टू फेच और एक और बात जब भी हम यूज टू और वुड की बात करेंगे यूज टू और वुड के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे दे वुड अराइज अराइज इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अर्ली टू वाटर फ्रॉम द वेल बिकॉज़ देयर इज अ फॉर्म इसकी क्या है इज देयर वॉज नो प्लम्बिंग इन द हाउस देन दे प्रिपेयर फूड फॉर लेटर देन दे वुड प्रिपेयर फूड फॉर लेटर दिस इज दास्ट हैबिट सो वी विल राइट वुड बिफोर सेयर

यूज टू और वुड के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे दे वुड अराइज अराइज इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अर्ली टू फेच वाटर फ्रॉम द वेल बिकॉज देयर इज अ अम इज की क्या है वॉज देयर वॉज नो प्लम्बिंग इन द हाउस देन दे प्रिपेयर फूड फॉर लेटर धैन दे वुड प्रिपेयर फूड फॉर लेटर दिस इज द पास हैबिट सो वी विल राइट वुड बिफोर सेंग देयर prayers mid-morning is we will also change form of verb is into past form what is the past form of is was mid-morning was also a busy time during which the women used to put on their veils and go with their slaves to the market to buy food for the next day by midday everyone was hungry we will change the form of verb so the women served the food दे सो द वुमेन वुड सर्व द फूड दे हैड इन द मॉर्निंग सम वुमेन स्पेंड द आफ्टरनून स्पिनिंग सम वुमेन वुड स्पेंड द आफ्टरनून स्पिनिंग अदर्स प्रेफर प्रेफर की सेकेंड फॉर्म अव होती है प्रेफर्ड अदर्स प्रेफर्ड टू स्यू। हाओ एवर ऑल ऑफ देम यूज टू बाथ बिफोर द इवनिंग मील दिस मील वॉज यहाँ पर हम राइड करेंगे Was was a communal occasion, which some relations used to join the family for. Friends would arrive later for a social gathering. These are all past habits, so we are writing would and used to. Rich families used to entertain lavishly. They would hire professional entertainers like dancers and musicians. Here you can see we use would with past actions and used to with past. States, this is uh, the paragraph you will write this on the next page by adding would and used to and also changing the form of words. Here, you will write that paragraph here. And this part, part B, is your homework. You will make five sentences using used to and would and telling about your past habits. This is your today's lesson. Hope you all understand this. Take care of yourselves. Allah is...